हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली और बहुत ही हेल्दी बनने वाली कुकर वाली वेज बिरयानी की रेसिपी। आइए चल के देखते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर को गैस पे रखा है, इसे गर्म होने दिया है। उसके बाद मैं इसमें सरसों तेल डालूँगी, इसमें घी डालूँगी, उसके बाद इसे गर्म होने देंगे। मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जीरा, 2 तेज पत्ता, 4 से 5 लौंग, इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 गोल मरीच। अब ये गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज के प्याज को काट लिया था। हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्च काट के मैं डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसमें इसे चला दूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इधर दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने तेल डाला है और मैंने आलू और गोभी को कट करके इसमें रेड चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर और नमक डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे डालूंगी इसमें और इसको हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि हमारा इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, ये मैंने 1 स्पून डाला है। अब इसे हम मिक्स करके 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अपनी सारी सब्जियां कटी हुई, ये मैंने यहाँ शिमला मिर्च लिया है, मटर, टमाटर और गाजर। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। अब आप ये देख सकते हैं मैंने गोभी और आलू को फ्राई कर लिया है, अब इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसे मैंने हल्का फ्राई किया था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी ताकि हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी इस छोटे से ग्लास से 1 ग्लास पानी। अब मैं इसमें 2 स्पून दही के डालूंगी, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर दें। अब हम इसमें राइस डालेंगे, इस राइस को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। अब मैं इसमें इसे डालूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैंने राइस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है सब्जियों के साथ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, 1 ग्लास पानी डाला है और थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस डालूंगी, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिंट डालूंगी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसको ढक्कन लगा के गैस पे 1 सीटी लगने के लिए छोड़ दूंगी, इसका हम हाई फ्लेम रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेज बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल के इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।